सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब? बच्चे, मैंने आपको पाठ पढ़ाया था जिसका नाम था ज्ञान की बातें, जो कि एक पत्र था जो महात्मा गांधी जी ने प्रिटोरिया जेल से अपने पुत्र मणि को लिखा था। ठीक है बच्चों, आज इसके प्रश्न उत्तर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहले ये प्रश्न है पाठ की दुनिया के ओरल क्वेश्चन। पहला जो प्रश्न है, गांधी जी ने किसे और कहां से पत्र लिखा था? सभी को पता है गांधी जी ने प्रिटोरिया जेल से अपने पुत्र मणि को पत्र लिखा था। गांधी जी ने प्रिटोरिया जेल से अपने पुत्र मणि को पत्र लिखा था। ठीक है, सेकंड है, मणि को किसके प्रति रोष था? उत्तर लिखेंगे, मणि को अपनी शिक्षा के प्रति रोष था। इनके जो आंसर है आपको वन वन एक एक पंक्ति में ही देने हैं। ठीक है, मणि को अपनी शिक्षा के प्रति रोष था, रोष मतलब गुस्सा, मैंने बताया भी था। तीसरा है, बड़ी उम्र में किन किन विषयों को सीखने में मुश्किल होती है? तो गांधी जी ने बताया था कि गणित और संस्कृत जैसे विषयों को बड़ी उम्र में सीखने में मुश्किल होती है। बचपन में ये विषय आप आराम से सीख सकते हो, लेकिन अगर बड़ी उम्र हो जाती है तो इन विषयों को सीखने में कठिनाई आती है। तो उत्तर लिखेंगे, गणित और संस्कृत जैसे विषयों को बड़ी उम्र में सीखने में मुश्किल होती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है रिटर्न क्वेश्चन का। पहला है, गांधी जी किस जेल में कैद थे? अब बच्चों, रिटर्न क्वेश्चन है तो थोड़ा सा आपको बड़ा लिखना है, तो आप खाली आंसर एक लाइन में नहीं दोगे इसका। लिखोगे, गांधी जी प्रिटोरिया जेल में कैद थे, जहां से उन्होंने अपने पुत्र को पारिवारिक दायित्व निभाने के लिए सलाह दी और उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें पत्र लिखा। ठीक है, क्या लिखेंगे? गांधी जी प्रिटोरिया जेल में कैद थे, वहां से उन्होंने अपने पुत्र को पारिवारिक दायित्व निभाने के लिए सलाह देते हुए और उनका मार्गदर्शन करते हुए उन्हें पत्र लिखा। ठीक है, प्रश्न नंबर दो है, बा के बारे में गांधी जी ने क्या क्या जानना चाहा था? बा कौन थी? कस्तूरबा, उनकी पत्नी। तो उत्तर लिखेंगे, बा के बारे में गांधी जी ने पहले तो उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहा और ये जानना चाहा कि क्या वे अब चलने फिरने लग गई हैं और सुबह रोज दूध के साथ साबुदाना ले रही हैं या नहीं। ये बातें उन्होंने बा के बारे में जाननी चाहिए थी। कौन कौन सी बातें? एक तो उनके स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहा और ये जानना चाहा कि वो अब चलने फिरने लगी हैं क्या और रोज सुबह दूध के साथ साबुदाना ले रही हैं या नहीं। ठीक है, इसका उत्तर आप ये लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सच्ची शिक्षा क्या काम करती है? इसका उत्तर लिखेंगे, सच्ची शिक्षा चरित्र का निर्माण करती है और कर्तव्य का बोध कराती है। अगर आपकी शिक्षा सच्ची है तो वो आपकी क्या मदद करेगी? आपके चरित्र अच्छा होगा उससे और आप अपने कर्तव्यों को अच्छी तरह से पूरा कर पाओगे। ठीक है, तो लिखेंगे उत्तर, सच्ची शिक्षा हमारे चरित्र का निर्माण करती है और हमें हमारे कर्तव्यों का बोध कराती है। ठीक है, घ है, गांधी जी ने किन तीन बातों को महत्वपूर्ण बताया था? तो गांधी जी ने तीन बातें महत्वपूर्ण बताई हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही असली शिक्षा है, सच्ची शिक्षा है। तो लिखेंगे, गांधी जी ने तीन महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, अपनी आत्मा का, अपने आप का और अपने ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना ही सच्ची शिक्षा है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है, गांधी जी क्यों चाहते थे कि मणि एक योग्य किसान बने? गांधी जी क्यों मणि को किसान बनाना चाहते थे? तो लिखेंगे, गांधी जी को लगता था कि निर्धनता में ही सुख है। अगर आप गरीब हो तभी आप सुखी हो, अगर आप अमीर हो तो आप सुखी नहीं हो। तो क्या लिखेंगे, गांधी जी को लगता था कि निर्धनता में ही सुख है, इसलिए वे चाहते थे कि मणि एक योग्य किसान बने और अपने खेती के सभी औजारों को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखे। ठीक है, गांधी जी को लगता था कि निर्धनता में ही सुख है, इसलिए वे चाहते थे कि मणि एक योग्य किसान बने और अपने खेती के सभी औजारों को साफ सुथरा और सुव्यवस्थित रखे। ठीक है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किन किन भाषाओं के भजनों का संग्रह तैयार करने का सुझाव दिया था? ठीक है, उत्तर लिखेंगे, गांधी जी ने हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों का एक संग्रह तैयार करने का सुझाव दिया था। लिखेंगे, गांधी जी ने हिंदी, गुजराती और अंग्रेजी के चुने हुए भजनों का एक संग्रह तैयार करने का सुझाव दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये आपको तीन क्वेश्चन ये करने हैं और छह क्वेश्चन ये करने हैं, यानी कि आपको टोटल नौ क्वेश्चन करने हैं।
और अपनी नोटबुक में नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में ये वर्क करके आपको कल शाम 3 बजे तक भेजना है, ठीक है बच्चों? ओके, थैंक यू।